हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट के लिए हमें थ्री एड्रेस कोड को कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हमें ये स्विच केस स्टेटमेंट दिया हुआ है कि स्विच एक्स प्लस वाई केस वन एक्वल्स टू ए प्लस टू ब्रेक, केस फोर बी इक्वल्स टू बी इंटू थ्री ब्रेक, केस सिक्स सी इक्वल्स टू सी बाय टू ब्रेक एंड डिफॉल्ट डी इक्वल्स टू डी माइनस। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, ये एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो वाला करस्पॉन्डिंग केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर केस वो अवेलेबल नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हमें x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो हमें लिखा टी वन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब अगर टी वन की वैल्यू वन है तो गो टू हमने यहाँ डैश लिख दिया है, हम बाद में लिखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहाँ जंप करेंगे वो हम बाद में लिखेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, टी की वैल्यू वन नहीं है, तो हम टी की वैल्यू को फोर के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अगर ट्रू हुई तो हमने यहाँ पर देखो गो टू के बाद डैश कर दिया, तो फोर हुई तो हम कहाँ पर जंप करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम सिक्स के लिए चेक करेंगे, इफ़ टी वन इक्वल्स टू सिक्स गो टू डैश। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो हम क्या लिखते हैं डिफॉल्ट वाली डी इक्वल्स टू डी माइनस टू। तो डी इक्वल्स टू टी माइनस टू के लिए थ्री एड्रेस कोड क्या हो जाएगा, टी टू इक्वल्स टू डी माइनस टू और डी इक्वल्स टू टी टू और गो टू नेक्स्ट, ये स्विच के बाहर ले आएगा हमें। और डिफॉल्ट वाला भी हो गया, वापस हम टी वन पर आएंगे, तो अगर ये टी वन की वैल्यू वन हुई तो हमें क्या करना है, ये है तो हमें ए इक्वल्स टू ए प्लस टू करना है। तो हम कहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर टी थ्री इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे ए प्लस टू और ए इक्वल्स टू टी थ्री। तो हमें कहाँ जम करवाना होगा, टी की वैल्यू वन होगी तो गो टू एट, तो यहाँ पर एट लिख लेना। ठीक है, अब जैसे ही ये इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे केस वन के, हमें गो टू नेक्स्ट करना पड़ेगा, तो हम नीचे आएंगे, स्विच के बाहर आ जाएंगे। अब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो हमें कहाँ जब हमें क्या करना है, बी इक्वल्स टू बी इंटू थ्री, तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इलेवन, यहाँ पर एट आया, यहाँ पर इलेवन आया। अब ये वही टी फोर इक्वल्स टू बी इंटू फाइव, बी इक्वल्स टू टी फोर और गो टू नेक्स्ट, तो ये स्विच के बाहर आ जाएगा। अब अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ, इफ़ टी वन इक्वल्स टू सिक्स, तो कहाँ आना पड़ेगा फोर्टीन पे, तो यहाँ पर फोर्टीन आ जाएगा। हमें टी फाइव इक्वल्स टू करना पड़ेगा सी बाय टू और सी इक्वल्स टू टी फाइव और गो टू नेक्स्ट। तो इस टाइप से हम स्विच के लिए थ्री एड्रेस